Hi guys, welcome to my channel. So in today's video I'll be talking about I'll be clearing your doubts cabin crew ke job se related ki kya cabin crew job safe hai and kya aapko cabin crew banna chahiye and main aapke jo bhi ye sare doubts hai aapke man mein cabin crew banne ke liye aapke parents ke man mein jo bhi doubts hai to main aaj wo clear karne wali hu. So make sure you watch the video till the end and प्लीज प्लीज अभी जाके आपके पेरेंट्स को बुलाओ. सबसे पहली चीज आपके पेरेंट्स को बुलाओ एंड उनके साथ ये वीडियो देखो बिकॉज ज्यादा करके पेरेंट्स को डाउट्स रहते हैं कि कैबिन क्रू जॉब कैसी है, क्या बनाना चाहिए हमारे बच्चों को कैबिन क्रू या नहीं, ऐसा वैसा क्या कैबिन क्रू में बिगड़ने के चांसेस है, ऐसे वैसे बहुत सारे डाउट्स रहते हैं. सो प्लीज गो कॉल योर पेरेंट्स एंड वॉच दिस वीडियो विद योर पेरेंट्स एंड या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. ओके, सो आप में से बहुत लोगों को ये डाउट है कि ना कैबिन क्रू क्या मैं बनूं, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, ये जॉब कैसी है, क्या इसमें कोई खतरा है, क्या इसमें लड़कियों के लिए क्या ये जॉब सेफ है. तो आज मैं आपको मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊंगी बिकॉज मैं एक कैबिन क्रू रह चुकी हूँ एंड मैं आपको मेरा जो भी मैं चीज बोलूंगी वो सारी मैं कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ बोलूंगी. सो फर्स्ट थिंग इज दैट क्या मैं कैबिन क्रू बन सकती हूँ, क्या ये जॉब सेफ है. तो यस, 100% कैबिन क्रू जॉब सेफ है, उसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आपको बिकॉज कैबिन क्रू जॉब बहुत बहुत ज्यादा सेफ है. इनफैक्ट आई कैन से दैट दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट जॉब्स इन द वर्ल्ड बिकॉज आपको बिल्कुल भी कोई है ही नहीं. बिकॉज अगर आपके दिमाग में ये चीज है कि ऑन बोर्ड अगर आपको कोई हैरेस कर रहा है, अगर आपको कोई वायलेंस कर रहा है, अगर आपको इनअप्रोप्रिएट लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं. ज्यादा करके लोगों को इसी बात की टेंशन रहती है. तो मैं आपको बता दूं कि हमें एयरलाइन में सिखाया जाता है कि आपको कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करनी है. अगर आपको कोई चीज गलत लग रही है, कोई चीज इनअप्रोप्रिएट लग रही है, आपको लग रहा है कोई पैसेंजर आपको गलत तरीके से टच कर रहा है या कोई गलत चीज बोल रहा है, तो आप पैसेंजर को बोल सकते हो फर्म होके कि सर मुझे ये चीज अप्रोप्रिएट नहीं लग रही है, प्लीज डोंट डू इट और एल्स मुझे कंप्लेन करना पड़ेगा पायलट को. एंड अगर स्टिल वो पैसेंजर नहीं मान रहा है, स्टिल ही इज बीइंग इनअप्रोप्रिएट विथ यू, सो यू हैव द राइट टू गो एंड इन्फॉर्म द पायलट विल इन्फॉर्म द ग्राउंड स्टाफ एंड जब एयरक्राफ्ट लैंड होगा सिक्योरिटी टीम आकर वो पैसेंजर को अपने साथ अरेस्ट करके लेकर जाएगी. यू हैव दैट पावर. तो आपको जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ऊपर अगर कोई मेरे साथ बदतमीजी करता है सो हमें क्या सहन करना है. नो, यू डोंट हैव टू टॉलरेट एनीथिंग. आपके पास पावर है. एंड देन ट्रेनिंग की बात करूं मैं, कैबिन क्रू ट्रेनिंग की, तो आप सोचते होंगे कि रात की शिफ्ट रहती है ट्रेनिंग की या फ्लाइट की, रात की शिफ्ट रहती है, कैब में डर रहता है, क्या रहता है, कोई कैसा होगा ड्राइवर, ट्रेनिंग में रात को कैसे हम हमारे घर तक जाएंगे. ये दूसरी चीज है, रात को अगर आप 7 बजे के बाद आपका कुछ भी रहता है वो ट्रेनिंग, वो आपके साथ एक सिक्योरिटी स्टाफ होता है आपके कैब में, वो स्टाफ आपको आपके बिल्डिंग तक सेफली पहुंचाते हैं, आपके साथ कैब में रहते हैं. सो दिस इज अनदर थिंग जो आपकी सेफ्टी का एयरलाइन ध्यान रख रही है. तो या आपकी सेफ्टी का ध्यान पूरी तरह रखा जाता है. अब तीसरी चीज, आपको आपके पेरेंट्स को स्पेशली टेंशन होगा कि क्या हम कैबिन क्रू अगर बनाए हमारे बच्चों को तो क्या हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, क्या उन्हें स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की लत लग जाएगी, क्या उन्हें बुरी कंपनी मिलेगी. सो लेट मी टेल यू, सिर्फ कैबिन क्रू इंडस्ट्री को बुरा बताया जा रहा है. अगर आपको लत लगनी है, अगर आपको एडिक्शन होनी है, तो आप
आपके बच्चों को किसी भी प्रोफेशन में भेजोगे और अगर आपके बच्चे पे खुद का कंट्रोल खुद पे नहीं है तो उसको वो आदत लगेगी ही। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैबिन क्रू ही ड्रिंक या स्मोक करती है, देर आर मेनी अदर प्रोफेशन जिसमें लोग ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, बट ये पूरी तरह से हम पे रहता है कि हमें कौन सी कंपनी चूज करनी है। अब मुझे ना ड्रिंकिंग की आदत है ना स्मोकिंग की आदत है, तो मैं भी हूँ, मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो कैबिन क्रू है एंड दे डोंट ड्रिंक, दे डोंट स्मोक, तो ये हम पे है। आपको कोई भी आके फोर्स नहीं करने वाला है कि आप ड्रिंक करो या स्मोक करो। लोग करते हैं, आई वोंट डिनाई द फैक्ट, बट सिर्फ कैबिन क्रू नहीं करती है, दूसरे प्रोफेशन के लोग भी करते हैं एंड सारे लोग नहीं करते हैं, सारी क्रू नहीं करती है। तो आपके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपको उनके साथ बैठना है या नहीं, आपको उनको फ्रेंड्स बनाना है या नहीं, तो या ये कम्प्लीटली आप ही के ऊपर रहता है एंड आपको इसमें जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे हो, अगर आप सिर्फ आपके काम से डेडिकेटेड हो, तो आप सिर्फ फ्लाई करने जाओ, अपना काम करो, काम करके आप वापस आ जाओ। एंड अगर आपको चाहे अगर आपको आपका कोई सीनियर या आपके बेस पे आपको कोई भी अगर हैरेस कर रहा है, आपको अगर ऐसा लग रहा है, वैसे करते नहीं है, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है या आपको ओवर पावर करने का ट्राई कर रहा है, तो आपके पास राइट है कि आप हायर अथॉरिटीज को भी, जो हमारे मैनेजमेंट के जो हायर अथॉरिटीज रहते हैं, आप उनको मेल डायरेक्ट डाल सकते हो, पूरे इंसिडेंट इन्वर्टेड कॉमास में लिख के आप उनको मेल डायरेक्टली डाल सकते हो एंड दे विल डेफिनेटली टेक एन एक्शन अगेंस्ट हूसोएवर इज। अगर कोई भी वो इंसान है जो आपको हैरेस कर रहा है या आपको ओवर पावर कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, तो इतनी ज्यादा सेफ्टी है। नाउ नेक्स्ट थिंग जो कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स एंड मोस्ट ऑफ द पीपल को डाउट है, वो ये है कि डू कैबिन क्रू स्लीप विद पायलट्स। तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाई है, इंसर्ट अ लिंक समवेयर हियर, तो आप वो भी वीडियोस आपके पेरेंट्स के साथ जाकर देख सकते हो। तो उसमें भी मैंने क्लियर किया है दैट नो, ऐसा कोई भी नहीं है कि हम पायलट के साथ, इफ वी स्लीप विद पायलट्स देन ओनली विल गेट द जॉब। वी गेट द जॉब बिकॉज ऑफ आर अबिलिटीज, हमारे पास वो सारी अबिलिटीज है, हमारे पास वो सारे स्किल्स है जिसके वजह से हमें जॉब मिलता है। वी डोंट गेट जॉब बाय स्लीपिंग विद पायलट्स। एंड हमें जॉब मिलने के लिए बहुत डिफिकल्ट इंटरव्यू देना पड़ता है, बहुत इंटेंस ट्रेनिंग करनी पड़ती है एंड देन वी गेट आवर जॉब। तो ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं होता है पायलट्स और कैबिन क्रू के बीच में, सिर्फ प्रोफेशनल रहता है उनका रिलेशनशिप, सिर्फ प्रोफेशनल रहता है एंड या यू कैन बी फ्रेंड्स विद देम, बट ऐसा कुछ भी नहीं रहता है कि यू स्लीप विद द पायलट्स एंड देन यू गेट द जॉब, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। सो आपके सारे जो भी टेंशन है, जो भी है, सब क्लियर कर दो, बिकॉज मैं कैबिन क्रू हूं एंड मैं आपको अश्योरेंस दे रही हूं कि ये जॉब 100% सेफ है। आप आपके बच्चों को भेज सकते हो इस जॉब के लिए एंड आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज योर चिल्ड्रन आर इन सेफ हैंड्स, चाहे वो ट्रेनिंग में हो, चाहे वो जब फ्लाई कर रहे हो तब हो, बिकॉज बेस हमारा बहुत बहुत साथ देता है, बहुत अच्छा रहता है हमारे मैनेजमेंट, तो पूरी तरह से सेफ रहता है। सो या आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए हो एंड अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट्स है, अगर आपके पेरेंट्स को कोई डाउट्स है या जो भी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ एंड आई मेक अ पार्ट टू ऑफ दिस वीडियो रिलेटेड, मतलब आपके मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगी एंड अगर मुझे बनाना है तो मैं इसका पार्ट टू बनाऊंगी, अगर मुझे क्वेश्चन के आंसर्स मैं देके आपका इसका पार्ट टू भी बनाऊंगी। अगर आपको दूसरे डाउट्स है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज इफ दे हैव द सेम डाउट्स एंड क्लियर देयर डाउट्स। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई इंसर्ट माय आईडी ओवर हियर एंड मैं वहां पे बहुत सारे कैबिन क्रू के मेरे फोटोज डालती हूँ, मेरे ट्रेनिंग के फोटोज है एंड बहुत सारे फोटोज है, तो अगर आपको देखना है तो मुझे वहां पर फॉलो करो एंड या आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम, बाय।